वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जनेश्वर मिश्र पार्क की झील में शव मिला है। झील में अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिसकर्मियों ने शव को झील से बाहर निकाला है। मृतक युवती की शिनाख्त में जुटी पुलिस है। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला है। आपको बता दें कि लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क की झील में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। एक अज्ञात युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिसकर्मियों ने शव को झील से बाहर निकाला है। अभी तक मृतक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उसकी शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर जनेश्वर मिश्र पार्क की झील में एक मृतक युवती का शव मिला है। हमारे सहयोगी जय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जय, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि जनेश्वर पार्क की झील में एक युवती का शव मिला है, और उसको लेकर के क्या कुछ अभी अपडेट सामने आई है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी हरीश, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि गोमती नगर विस्तार है, जनेश्वर मिश्र पार्क है, बहुत ही बड़ा पार्क है। आपको बता दें इस पार्क को बड़ा विशालतम तैयार किया गया था, इसमें एक झील भी है और जिसमें लगातार लोग बड़ी दूर दूर से घूमने आते हैं। आपको बता दें कि लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग घूमने फिरने आते हैं, लेकिन आज का वाक्य आपको बता दें, एक महिला का वहां पर शव झील में उतराता हुआ मिला है। अचानक से जैसे ही शव उतराता हुआ देखा गया तो कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया। उसके बाद लगातार वहां के जो कर्मी थे उन कर्मियों को बताया गया। साथ ही आपको बता दें वहां पर जो मौके पे पुलिस कर्मी थे उन लोगों ने शव को जो है झील से बाहर निकाला, और उसके बाद लगातार अभी भी अगर बात की जाए तो किसी तरीके की कोई शिनाख्त नहीं हुई। जो महिला है, महिला की लगभग उम्र 35 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, और पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है शिनाख्त लेकर, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई शिनाख्त नहीं हो पाया। लेकिन अगर आपको बता दें हरीश कि ये बड़ी पार्क है और इस पार्क में लोग हजारों की तादाद में आते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गार्ड की सुव्यवस्था रहती है। गार्ड जगह जगह चप्पे चप्पे पर लगे रहते हैं और वो पूरी तरह से ध्यान देते हैं, लोगों को मना करते हैं कि झील के आसपास कोई भी ना जाए। लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें ऐसी घटनाएं, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही अवश्य पाई गई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा मामला सामने आ रहा है। जिस तरीके से अभी बात की जा रही है और पता करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये महिला कौन है, और अब से पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था रहती है पार्क में, चौक चौबंद और सिक्योरिटी रहती है, उस बीच इतना बड़ा मामला कैसे हो गया, कैसे ये दुर्घटना घट गई, क्या कुछ उसको मार के फेंका गया है, या वो युवती जो है अंदर डूब गई है, क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है इससे? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं व्यवस्था की, देखे तो व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं, कुछ पुलिस कर्मी अंदर भी रहते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि जो जगह जहाँ पे गार्ड तैनात रहते हैं, गार्ड की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, वो जैसे ही कोई झील के आसपास जाता हुआ नजरता है गार्ड की जिम्मेदारी होती है उसको मना करते हैं। लेकिन इस बार ऐसी घटना घट जाती है और कहीं पर भी किसी तरीके के ना पुलिस कर्मी दिखाई पड़ते हैं ना गार्ड दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से शव जो है झील में तैरता नजर आ रहा था, उसको देखते हुए अभी किसी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि आखिर मामला पूरा क्या होगा। लेकिन जहां तक कि अगर लोगों का मानना है, लोगों से यहाँ अगर बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि मृतक जी जय, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।